हेलो स्टूडेंट, दिस इज नवीन शर्मा। गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के एक नई यूनिट, यूनिट नंबर 4। उसके नए चैप्टर है अपना बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यूनिट नंबर 4। ये अपने आरबीएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस है, जिसमें यूनिट नंबर 4 है। इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर है। ठीक है, टोटल 3 चैप्टर है और ये अपने एग्जाम के अंदर टोटल मार्क्स आते हैं 5 मार्क्स का ये यूनिट है। टोटल 5 मार्क्स की ये यूनिट है, जिसके अंदर से जब जब जैसे जैसे अपन लीड करते जाएंगे, आगे क्लास में पढ़ते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्वेश्चंस कहां से उत्तर होते हैं। ठीक है, आज अपन इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आज अपन फर्स्ट क्लास है, जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर अपन देखें तो सबसे पहले जो वर्ड आता है अपने पास में, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मीन क्या है, कहां यूज में होता है, क्या यूज में होता है, ये अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखें कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। देखो, नेम जो है अपने, मैंने पहले भी कहा था कि बायो के अंदर या फिर साइंस के अंदर वर्ड लिया जाए, साइंस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को या ऑर्गेनिज्म को कोई भी नेम दिया जाता है, उसका क्या है, एक रीजन होता है। ठीक है, अगर आपको वो रीजन पता है तो आपको नेम ऑटोमेटिक लर्न होगा, रटने की जरूरत नहीं होती। चाहे आप बायो के अंदर क्लासिफिकेशन लो या फिर कोई भी अदर फिजियोलॉजी हो, अगर आपको नेम का रीजन पता है तो आपको नेम लर्न होगा। ठीक है, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो वर्ड है। ठीक है, एक तो है आपका बायो एंड है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो वो टेक्नोलॉजी जो कि क्या है, कहां यूज में आ रही है, बायो के अंदर यूज में आ रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है, समझा है। अब अपन इस बायोटेक्नोलॉजी को एक, ये तो अपनी जनरल लैंग्वेज में हो गई, लेकिन अगर अपन डेफिनेशन देखें, प्रॉपर डेफिनेशन कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, क्वेश्चन आए अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, तो डेफिनेशन क्या देनी है, साइंस के बेस पर देनी है। तो देखो, डेफिनेशन है अपना टेक्नोलॉजी यूज इन बायोलॉजी। बोला ना मैंने कि टेक्नोलॉजी, जो टेक्निक्स अपन बायोलॉजी के अंदर यूज में ले रहे हैं। ठीक है, फॉर किस चीज के लिए, भाई कुछ ना कुछ तो रीजन होगा भाई, कोई टेक्नोलॉजी अपन कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसका कोई रीजन है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज में ले रहे हैं, प्रोड्यूसिंग यूजफुल प्रोडक्ट, कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज में ले रहे हैं। अब यहाँ पर यूजफुल प्रोडक्ट बोल दो या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ कैरेक्टर बोल दो, जैसे कि कल अपन ने क्लोनिंग के अंदर पिछली क्लास के अंदर देखा था, उसमें क्या किया था अपन ने, क्लोनिंग हो, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो या फिर कोई भी अदर वर्क, उसमें क्या करते हैं अपन, एक कोई भी प्रोडक्ट है उसकी अपन क्या कर देते हैं, वैरायटी चेंज करते हैं। वैरायटी क्यों चेंज करते हैं, ताकि अपने पास में न्यू कैरेक्टर डेवलप हो सके। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी अपन क्या कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज में लेते हैं बायोलॉजी के अंदर, ताकि अपन कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपने लिए बेनिफिशियल हो, उसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, ये तो अपने जनरल डेफिनेशन हुई। ठीक है, अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज नहीं है। आज के टाइम में क्या होता है, अपन सोचते हैं यार बायोटेक्नोलॉजी नई ब्रांच चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी नई ब्रांच नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी आज से बहुत सालों पहले, यहां तक कि अपने राम भगवान के टाइम पे, राजा राम के टाइम से भी बायोटेक्नोलॉजी यूज में आ रही है। अब आप कहो कि सर वहां पर तो कोई लैब ही नहीं थी साइंस की लैब, ए भाई कोई इंस्ट्रूमेंट हो, आज के टाइम में तो केमिकल्स होते हैं, वहां पर ऐसा नहीं था, फिर वहां पर कैसे यूज में आ रहा है। देखो क्या होता है कि भगवान राम, रामायण सबने देखी है, ठीक है, देखी है ना सबने। जब भगवान राम वनवास में गए तो क्या हुआ, सीता जी का अपहरण हुआ, किडनैप हुआ, रावण ने किडनैप कर लिया। तो उस समय वो कहां गए, सुग्रीव के पास में, दोनों के अंदर फ्रेंडशिप हुई, बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप। राम भगवान ने सुग्रीव को उसका राज्य दिलाया और फिर कहा कि अब क्या करना है, सीता जी को ढूंढना है। लेकिन क्या हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई है, तो उस समय के बाद में अपन उसको ढूंढेंगे। तो सुग्रीव ने क्या किया, उन टाइम में वो क्या पीता था, शराब पीता था और मस्त रहता था,
शराब कहां से आई भाई उस समय? शराब कहां से आई? शराब का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था बायोटेक्नोलॉजी, वहीं से स्टार्ट हो गई थी वाइन, बियर, ठीक है, या फिर अपन ब्रेड बोले, एक ब्रेड बनाने में या फिर अपन जलेबी बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी यूज में आती है। अपन कहें कोई भी चीज जनरल के अंदर देखें तो वहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी यूज में आ रही है। ठीक है, कैसे आ रही है? देखो, सबसे पहले जो फादर थे बायोटेक्नोलॉजी के, फादर जो बोले गए वो थे लुईस पाश्चर। ठीक है, लुईस पाश्चर 9th क्लास में अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इन्होंने एक टर्म दी थी, ठीक है, एक टर्म दी थी, वो दी थी हमने फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या दिया था? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स शुगर को फर्मेंट करके क्या कर दिया जाता है? एल्कोहल के अंदर चेंज किया जाता है। समझ में आया? इसके अंदर क्या किया जाता है? कॉम्प्लेक्स शुगर को किसमें चेंज किया जाता है? एल्कोहल के अंदर। तो ये किससे बनती है? वाइन के अंदर यूज में आता है, वाइन बनाने में। ठीक है, तो इन्होंने, लुईस पाश्चर ने सबसे पहले बताया कि जो ये प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन है, इसीलिए अपन इसको, इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है, वर्ड है, वो सबसे पहले यूज में लिया गया था कार्ल एरेकी ने। ठीक है, कार्ल एरेकी एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने सबसे पहले टर्म यूज में लिया था। अगर अपन देखें हिस्ट्री के अंदर देखें तो हिस्ट्री इसकी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बहुत साल पुरानी, मैंने बताया अभी फर्मेंटेशन बहुत साल पहले हो गया था। ठीक है, लेकिन जो कि अपन को लर्न करना है, जो अपने लिए इंपोर्टेंट है, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। ज्यादा अपन को नहीं है, हिस्ट्री तो बहुत लंबी होती है, हिस्ट्री अपन को नहीं देखनी है, हिस्ट्री आर्ट्स के लिए छोड़ते हैं। अपन अभी सिर्फ वो इंपोर्टेंट देखते हैं जो अपने लिए यूजफुल है। ठीक है, देखते हैं 1885 के अंदर एस्टरेसिया कोलाई का क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। साइंटिस्ट थे अपने एस्टरेसिया, इनके नाम पर ही इस बैक्टीरिया को इन्होंने नेम दिया गया था। इसको अपन शॉर्ट में एस्टरेसिया कोलाई को अपन शॉर्ट में नेम देते हैं ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई कहां प्रेजेंट होता है? अगर देखा जाए तो ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि अपने क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। समझ में आ गया? तो ये क्या कर रहा था, ये एसेंशियल कोलाई बैक्टीरिया है जिसका डिस्कवर किया था 1990 के अंदर। फर्स्ट टाइम वर्ड यूज में किया था, जो कि अपन ने पहले देखा हुआ है, एरिक ने, ठीक है, कार्ल एरेकी ने। फिर 1928 के अंदर पेनिसिलिन जो मेडिसिन है मलेरिया की, ठीक है, वो की डिस्कवर की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट 1953 के अंदर डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अब बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, डबल डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्राइज है साइंस के अंदर, ये नोबेल प्राइज मिला था इनकी वजह से इनको। फिर 1970 के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का डिस्कवर किया गया था, तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर डिस्कवर किया था, एचडी स्मिथ ने, कैली ने एंड कैन विलकॉक्स ने, इन तीनों ने मिलकर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का डिस्कवर किया था। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज अपन ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर पढ़ा था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करता है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, लंबे डीएनए स्पेशल साइट से कट करता है। समझ में आया? इसको अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। ठीक है, फिर 1972 के अंदर आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज किया गया था, इंडिया के साइंटिस्ट थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, इंडिया का नाम रोशन किया था उस समय। ठीक है, फिर 1996 के अंदर जो कि अपन ने क्लोनिंग के पिछली क्लास के अंदर देखा था, डॉली शिप को प्रोड्यूस किया गया था इयान विलनट ने। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बहुत बड़ा काम था। फिर 2003 के अंदर ह्यूमन जीनोम कंप्लीट हुआ। देखो ह्यूमन जीनोम क्या होता है कि
ह्यूमन के अंदर टोटल कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इन 46 क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग देखी गई थी। सीक्वेंसिंग का मींस किस अमीनो एसिड के बाद में कौन सा अमीनो एसिड आता है, ये पूरी की पूरी डिटेल किसके अंदर डेवलप की जाती है, ह्यूमन जीनोम के अंदर। आज ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम की हर अमीनो एसिड की पोजीशन याद है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी डिजीज हो रही है कोई भी बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, उसके अंदर कोई डिजीज आ गई, कोई भी वेरिएशन आ गए, कोई भी म्यूटेशन आ गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपन पहले ही पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस अमीनो एसिड को या जीन को अपन क्या कर देता है, एक हेल्दी जीन के रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। आज अपन ने फर्स्ट क्लास थी बायोटेक्नोलॉजी की, इसलिए ज्यादा लंबा क्लास नहीं हुआ, बिल्कुल छोटी सा सिंपल सा, अपन सिर्फ इसका हिस्ट्री देखी है, जनरल इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं या फिर कुछ टेक्निक्स हैं जो कि अपन यूज में लेते हैं, जैसे कि बायोचिप है, ठीक है, जीन चिप है, ये बायोसेंसर है, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है बेटा। वीडियो को पूरा देखना है, ऐसे नहीं है कि वीडियो लंबा हो रहा है तो आप कट कर करके जंपिंग जंप आप की तरह एक जगह से दूसरी जगह, एक बंदर क्या करता है एक डाली से दूसरी डाली के अंदर घूमता रहता है, वैसे वीडियो को कट नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना होता है तभी आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, ठीक है बेटा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 8384977543, ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल कीजिए, कमेंट करें, कोई भी आपको मैसेज हो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है बेटा। तब तक थैंक यू।